दोस्तों, हम सब बॉलीवुड के फैंस हैं और एक मूवी हिट करने में जितना हाथ उसके मेल एक्टर और डायरेक्टर का होता है उतना ही फीमेल लीड का भी होता है, और वो भी बहुत ज्यादा फीस चार्ज करती है हर एक मूवीज करने के लिए। और आज हम इस वीडियो में टॉप 10 एक्ट्रेसेस के बारे में बात करेंगे 2024 के, जो सबसे ज्यादा फीस चार्ज करती है पर मूवी करने के लिए। और ये लिस्ट बहुत ज्यादा खास है और आपके कई फेवरेट एक्ट्रेस इसमें जरूर होगी। वैसे दोस्तों, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है हमें कमेंट करके जरूर बोलना, और ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी वर्ल्ड। चलिए तो शुरू करते हैं। नंबर 10 पे जो एक्ट्रेसेस है वो है ऐश्वर्या राय बच्चन, जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है और वो हर एक मूवी करने के लिए 10 करोड़ रुपए चार्ज करती है। और उनकी जो लास्ट मूवी आई थी वो थी पुन्नैया सेल्वम 2, जो कि एक तमिल मूवी। उसके बाद जो 9th नंबर पे है वो है अनुष्का शर्मा, जो कि काफी दिनों से बॉलीवुड से दूर है और मूवीज नहीं कर रही है, पर वो जब करती थी तब वो 8 करोड़ से 12 करोड़ पर मूवी के लिए चार्ज करती। उसके बाद 8वें नंबर पे जो है वो है विद्या बालन, और जिनके रिसेंटली दो और दो प्यार लास्ट मूवी आया था और वो 8 करोड़ से 14 करोड़ रुपए चार्ज करती है हर एक मूवी के लिए। उसके बाद 7 नंबर पे द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड क्यूटेस्ट एक्ट्रेस यानी कि श्रद्धा कपूर है, जो कि 7 करोड़ से 15 करोड़ रुपए चार्ज करती है अपने हर एक मूवी के लिए। और उनका जो रिसेंटली मूवी आने वाला है वो है स्त्री 1, जो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा था। उसके बाद स्त्री 2 अब रिसेंटली आने वाला है। इस मूवी के लिए आप कितना बेकरार है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 6 पे जो एक्ट्रेस है वो है करीना कपूर खान, और वो हर एक मूवी के लिए 8 करोड़ से 18 करोड़ रुपए चार्ज करती है। और क्या आपने रिसेंटली उनका क्रू मूवी देखा था, जो कि एक सुपर डुपर हिट मूवी रहा था बॉलीवुड में, जिसने 100 करोड़ के पार का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। नंबर 5 पे जो है वो है सुपर क्यूट आलिया भट्ट, और वो 10 से 20 करोड़ रुपए चार्ज करती है अपने हर एक मूवी के लिए। और उनका जो नेक्स्ट मूवी आने वाला है वो क्रिसमस 2025 में आने वाला है, और वो मूवी है लव एंड वॉर, जिसके उसके साथ रहने वाले हैं रणवीर कपूर और विक्की कौशल इस मूवी में, और जिस मूवी के डायरेक्टर होंगे संजय लीला बंसाली। उसके बाद हम 4th नंबर पे जो है उनकी बात कर लेते हैं, और 4th नंबर पे जो एक्ट्रेस है वो मेरी पर्सनल फेवरेट है, वो है कटरीना कैफ। और कटरीना कैफ चार्ज करती है 15 से 25 करोड़ रुपए हर एक मूवी के लिए। और कटरीना कैफ का जो लास्ट मूवी आया था वो फोन बूथ, जो कि एक हॉरर कॉमेडी मूवी था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं टॉप 3 एक्ट्रेस। जो तीसरे नंबर पे जो एक्ट्रेस है वो बॉलीवुड से बल्कि हॉलीवुड तक जा चुकी है और बहुत ज्यादा नाम है उनका, वो है प्रियंका चोपड़ा जोनस, और वो चार्ज करती है 15 से 25 करोड़ रुपए हर एक मूवी के लिए। नंबर 2 पे जो एक्ट्रेस है वो है कंगना रनावत, और जो कि रिसेंटली MPB बनी है लोकसभा में, और वो हर एक मूवी के लिए चार्ज करती है लगभग 15 से 27 करोड़ रुपए। और चलिए अब बात कर लेते हैं नंबर 1 की। क्या आप गेस कर सकते हैं नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे है दीपिका पादुकोण, और जिनका रिसेंटली कल की 2898 मूवी भी आया था। क्या आपने उस मूवी को देखा? अगर नहीं देखा है तो जरूर देखना दोस्तों, बहुत ही ज्यादा अच्छा मूवी है, और हमने उसका रिव्यू भी किया है हमारे चैनल में, वो भी जरूर देख लेना। तो दीपिका पादुकोण अपने हर एक मूवी के लिए 15 से 30 करोड़ रुपए चार्ज करती है, और 2024 में एक्ट्रेसेस की लिस्ट में वो सबसे ऊपर आती है सबसे ज्यादा चार्ज करने के लिए अपने हर एक मूवी के लिए। तो दोस्तों, ये रहा टॉप 10 लिस्ट। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर